एनी मेजर मैन एंटिटी होती है फिर वो और जी कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करता है कि जी ठीक है अगर आप टोटल टीचर्स को ऐड कर दें चेंज देयर ऑर्डर स्टिल सेम नंबर इट डज हैव द सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं और ट्रायंगल के एंगल एंगल का सम 180 होता है तो दोनों ट्रू है तो वो डेफिनेटली इक्वली लैटरल ट्रायंगल तो हर एंगल बराबर होता है 60 का होता है और एंगल के तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है कुड दिस बी एड दिस एड दिस स्टेटमेंट इट्स लाइक दैट अगर इट्स मोर काइंड ऑफ इफ देन स्टेटमेंट क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल ट्रायंगल इक्वली एंगुलर हो तो वो इक्वली लैटरल भी होगा ये नतीजा है इस चीज का अगर वो इक्वली लैटरल है तो इक्वली एंगुलर भी होगा ठीक है तो अगर मैं ये कहूँ कि एक ट्रायंगल इक्वली एंगुलर है और इक्वली लैटरल है ओके इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बिगर और इट्स लाइक दैट दैट काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो P and P भी true होगा। अगर P true है तो P and P भी true होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ऐसे true हैं। Okay। So, and equally angular and equally lateral में कोई difference नहीं। ठीक है? आखिरी क्या है? तीसरा को। मदर के बाद फिर भी देखना होगा। ठीक है। इसके अंदर स्नैक ट्रायंगल। स्नैक ट्रायंगल का क्या करें? क्या उसमें कैसे एंड की स्टेटमेंट बराबर देखें उसमें स्टेटमेंट आप जो बता रहे हैं वो डेफिनेशन है व्हिच इज फाइन एक स्टेटमेंट तब हो सकती है जब आप कह सकते हैं जब आप ये कहें कि अगर मैं एक इसोसेलेस ट्रायंगल ले लूं ठीक है और मैं ये कहता हूं ये ऐसा इसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स बराबर हैं ठीक है इसके मीडियंस भी बराबर हैं इट्स मोर काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट का नतीजा है नतीजा ना के वो दोनों ओके दे आर गोइंग टू बी साइमल्टेनियस बी ट्रू एज वेल एनीवे सो जस्ट पुल आउट योर बुक्स व्हेन यू आर होम ठीक है एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस ठीक है यू कैन हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में कितने अलाउंसन होते हैं दो एक ही होता है अगर कंटिन्यूस हो What is principal function? Fundamental theorem of calculus. Statement क्या कहती है? If a function is continuous on the whole interval a to b and differentiable, मिसाल देता हूँ, on the open interval a to b. Such that not writing a correct statement हमें एक और function भी तो चाहिए ना derivative भी तो चाहिए उसको भी तो मॉल करो उसकी क्या था radius of circle capital वो क्या होता है center of circle divide circle that's a good statement. Like it. Yeah. Good statement. Radius का नहीं मतलब वो क्या कहते हैं आप उस लाइन का डायमीटर ठीक है अगर मैं ये कहूँ कि एक सेंटर है और मैं पूछूं इज दिस लाइन अ डायमीटर नो मैं आपसे कह रहा हूँ नथिंग फ्रॉम द लॉजिक पर्सपेक्टिव एक्चुअली
things from logic perspective. Don't go and don't rush for question. इसकी logical definition ये है कि एक एक line diameter तब होगी कि जब उसमें दो cosecants आते हैं और वो दोनों true हों. Number one, mid से गुजरे. Number two, end points. Question: Is this true for, you know, is this true for this line actually? कौन सी चीज true नहीं? Center से तो इस डैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक हिस्सा ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, लिहाजा हम पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स करें. इट्स नॉट अ डायमेंट, यू आर ऑलरेडी यूजिंग लॉजिक एक्चुअली. ठीक है, अनइंटेंशनली हमें पता ना भी हो तब भी हम लॉजिक ही इस्तेमाल कर रहे हैं. हम सही अब इसको इंटेंशनली करना शुरू करें, रियलाइज करना शुरू करें, खुद रियलाइज करेंगे. वो होते हैं जो कि बराबर होगी अगर उनके दरमियान मैजेक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पी का मतलब है लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन और क्यू का मतलब है जॉइंट्स, लाइन जॉइंट्स एंड पॉइंट्स. टू पॉइंट्स जॉइंट एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स ऑफ किस सिचुएशन में है हम? देखें असल बुनियादी चीज ये है, एक चीज का होने को आप बहुत अच्छे से तब समझ सकते हैं कि जब आप उसके ना होने को समझ. बड़ी मजे की हदीस हुई, हर चीज अपनी जिद से समझी जाती, अपने ऑपोजिट से समझी जाती. प्लस हम इस वजह से समझ सकते हैं क्योंकि हम माइनस का आइडिया समझते हैं, दिन को हम इसलिए समझते हैं क्योंकि रात अगर हो ही दिन तो फिर रात का तस्वीर भी नहीं किया जा सकता, डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहे हैं आप, तो आपके जहन में यही होना चाहिए कि वो कब ट्रू नहीं होगी और वे गोना गेट इन दैट. यानी हम एंड की निगेशन की भी बात करें क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और हमें पता है हर स्टेटमेंट की निगेशन होती है, तो इसकी भी तो निगेशन होगी. उस वाले की इसकी निगेशन क्या हो? ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज आर काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, दूसरी किस किस्म की स्टेटमेंट्स होती है? दूसरा बनेगा पी आर क्यू, आर नोटेड पी आर. Give me some R statements.
मैं बताऊँ सर, इन नेचुरल नंबर्स एनी नंबर इज इवन और ऑड. ठीक है, नेचुरल नंबर इधर इवन. इस तरह से कंपोजिट और प्राइम भी हो सकता है. वैसे कोशिश ये करें कि यूजुअली हम जो बता रहे हैं वो डेफिनेशंस बता रहे हैं कि जिसमें हम ट्रूथ और फॉल्सहुड की बात कर ही नहीं सकते. मैं बताऊं, आप स्टेटमेंट बताएं सर, मैं बताऊं बताएं कि जहाँ पर मैं कह सकूँ कि ये ट्रू है कि कोई भी इंसान या तो मेल है या फीमेल है. इसमें थर्ड नहीं यूनियन यूनियन अचानक से हमें समझ आ जाएगी कि जी यूनियन की डेफिनेशन इन्वॉल्व आर एक्चुअली से कि जी अब्दुल भाई साहब लिव्स इन यूनियन बी लिव अब्दुल भाई साहब या तो ए में हूँ या बी में. ठीक, इसके अलावा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, किस चीज की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नंबर्स की वो क्या होता है? ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन. गुड, काम मिला. अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, कुछ दो नंबर्स उसमें तीन चीज़ तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. दे आर ऑलवेज कंपेयरेबल, या तो बराबर होंगे, एक दूसरे से छोटा होगा, एक दूसरे से बड़ा होगा. डू यू हैव सेम इन मैट्रिसेस? यू हैव देयर, वहां तो ऑर्डर ही नहीं है और कंपैरिजन की बात ही नहीं कर सकते. ठीक है, यू नो जैसे नंबर्स बताया कि नंबर्स और मैट्रिसेस में सिमिलैरिटीज थी, उसी तरह से डिफरेंसेस भी हैं. ऐसा है कि नहीं कि नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मैट्रिसेस को कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, खुद भी सोचें इस किस्म के नुकते और बच्चों को भी कहें शो दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर. देखो ना दादा, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या कहेंगे? वो क्योंकि यूनियन की शक्ल में होता है. सिमेट्रिक डिफरेंस इज दिस ट्रिकोटॉमी लॉ. लेट्स फिक्स ट्रिकोटॉमी लॉ. सो ट्रिकोटॉमी लॉ सेज दैट कि आप कोई भी दो नंबर ले लें, ओके फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स हो. ठीक है, वी हैव फॉर एनी वी हैव either a equal to b or a less than b or a bigger than b. One of them is one. It's more kind of p or q or r statement. This is a p statement. एक बड़ी बड़ी मजे की चीज आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं. Think about null factor go. Null factor go. So x, y, if x, y equal to 0, and x and y are numbers, then x equal to 0 are numbers. Okay. इस statement में दो खास बात है. It's not purely and statement. इट्स अ इफ देन स्टेटमेंट जिसका दूसरा हिस्सा जो है वो और स्टेटमेंट. यू हैव स्टेटमेंट्स एंड यू क्रिएट न्यू स्टेटमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
truth table of it. Truth table से क्या होता है? Truth table बड़े काम की चीज़ है. ये बताती है कि कब एक statement true होगी. कब एक statement true होगी? Under what condition? What do you think? कहता हूँ मुझे चाय भी, मुझे चाय चाहिए या biscuit चाहिए? I'll be happy if I get चाय या biscuit. दोनों में तो कोई दे दा. दोनों मिल जाए तो भले भले. कोई एक मिल जाए. ये बात फेल तब होगी जब दोनों ना हो. मतलब बंदा आए कहे कि सही दोनों नहीं, मतलब ये बात गलत होगी, फेल हो गई. बाकी सब पे ठीक है. चाय मिल गई तब भी ठीक है. चाय मिल गई फिर भी बात टू हो गई. आप भी हैप्पी मिल गए फिर भी आप भी हैप्पी. दोनों मिल गए फिर भी आप भी हैप्पी हैं. दोनों नहीं मिलते फिलहाल आप भी हैप्पी. ओनली सिचुएशन ठीक है. Another aspect, बिल्कुल इसी तरह ये कहते हैं. Think from this perspective. मैं कहता हूँ कि एक element अगर यहाँ है या यहाँ है या दोनों में है तब वो यूनियन में आएगा. If one of the conditions यहाँ है या दोनों में से एक segment. नहीं not necessary. कम से कम एक segment. दोनों भी हो सकता है. दोनों में भी हो सकता है. किसी एक में फिर हर दो नंबर्स के लिए वन ऑफ द स्टेट. अब ये पूरी स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? थिंक अबाउट इट. पूरी स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? कि जब इनमें से कोई एक हिस्सा ट्रू हो. इनमें से कोई थिंक अबाउट हाउ ब्यूटिफुल इट इज. अगर इससे पहले आपने हैवी एवर थॉट कि इसके ट्रू या फॉल्सहुड के बारे में हम सोचें? प्रॉब्ली नेवर थॉट. नाउ यू कैन थिंक, नाउ यू कैन सी द स्टेटमेंट और आप ये बता सकते हैं कि अच्छा ये कब ट्रू होगी. अगर ये ट्रू हो या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो तो फिर वो और कब ट्रू नहीं होगी. सब फॉल्स. ये ट्रू ना हो ये भी ना हो ये ना. एक एलिमेंट यूनियन में है कब? कि जब ए या बी में. और कब नहीं होगा ये जरूर बताया करें. देखें एक बार यू नो जब आप डिफाइन करते हैं एक चीज ठीक है स्टेटमेंट आदत डाल लें कि उसके ना होने का भी जरूर समझाया करें. उसके ना होने का भी जरूर सवाल किया. It gives you lots, lots intuition. आपकी सोच से ब्रॉन इंट्यूशन. If then statement को negate कर इट्स अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. इसको बाद में करेंगे ठीक है. बट अगर इस पार्ट को negate करना चाहता हूँ तो इट्स सिंपली x जीरो. So I can make a truth table out of it. P, L, Q, and P, R, Q. याद रखें truth table सिर्फ बनाना काफी नहीं, इसे realize करना काफी important है कि हम इस statement के किस situation में करें. That's what is an important thing. For example, अगर ये दोनों हिस्से R statement के true हो तो हम कहेंगे R statement true है. अच्छा बाज आर स्टेटमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. वो कैसे? फॉर एग्जांपल मुझे सम टाइम यू से इधर आई मीन दिस आर दिस दिस आर दिस. ये वाली आर जो है ना इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आर है. तो हम जिस आर की बात कर रहे हैं इंक्लूसिव है. लॉजिक मोस्टली टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव आर ठीक है. ये वो एक्सक्लूसिव वाली नहीं है कि दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती ठीक है. इट्स इंक्लूसिव शॉर्ट एक्सक्लूसिव. अगर ये ट्रू और फॉल्स हो ट्रू क्योंकि ये इंक्लूसिव है. अगर एक्सक्लूसिव होते तो क्या होता false true true and then that false will be given. ठीक है. अब मैं ये कहता हूँ कभी तेरी
let me have something which is something like that. सिचुएशन देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके पास सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और बी एक सेट है, ठीक है, समथिंग लाइक 3, 4. इसे लास्ट में पास में टू टेबल में वो अगर एक ट्रुथ टेबल में एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो हमेशा ट्रू है तो उसका भी नाम रोशन कहते हैं वो टॉटोलॉजी सर्कुलर रीजन और अगर सारे ही फॉल्स हो तो जैसे इस प्रोपोजिशन तो अब मैं कहता हूं कि 3 जो है मैं ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट अब मुझे ये बताइए फ्रॉम लॉजिकल टेबल कि ये ट्रू क्यों है किस सिचुएशन में है हम फर्स्ट सिचुएशन बिकॉज सी जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि सी का मतलब है 3 ब्लॉक्स टू ए और Q का मतलब है 3 belongs to B. क्योंकि ये दोनों true हैं, याद हम इस पहली situation में For example, if I say A belongs to A union B, is this true? Yes, sir. This is true. That's a true statement. क्यों true है? किस सिचुएशन में है हम सेकंड सेकंड फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट बबलू डज नॉट बिलोंग टू दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इट्स अ लॉस्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये रॉन्ग करता है यहाँ पर बुनियादी लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स हैं वे गलत अलाउ यू टू डू डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वी डोंट सी देम ठीक है पी की स्टेटमेंट थी क्यू स्टेटमेंट थी अब हमने एंड जो है वो डिफाइन की है और आर एंड क्यू बी की स्टेटमेंट है और पी आर क्यू बी की स्टेटमेंट हमेशा एक जहन में सवाल जरूर उठाया कर ठीक है हमेशा अगर एक चीज का आप होना पढ़ रहे हैं तो उसका ना होना भी जरूर पड़ी जरूर समझिए अपने जहन में खुद सवाल कीजिए अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होगी मेरे जहन में ये होना चाहिए मेरे जहन में ये भी जरूर होना चाहिए कि वो कब नहीं होगी ठीक है एक एक रेशो जो है एक आइडेंटिटी ट्रू है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए फॉर एग्जाम्पल ये पता होना चाहिए कि वो कब ट्रू नहीं होगी ये जरूर पता और दूसरी बात ये है हमें ये भी आदत डालनी है आहिस्ता आहिस्ता कि हम स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट्स हों उनकी निगेशन को भी समझें ठीक है समटाइम्स यू शुड वेरीफाई अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या वाकई उसकी निगेशन फॉल्स है कि नहीं ठीक है समटाइम्स जस्ट गो फॉर द निगेशन ठीक है तो कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन करें अगर मैं एक स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ ठीक है वो थ्योरम हो सकता है वो एक प्रोपोजिशन हो सकती है वो लेमा हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है सवाल ये है कि आप उस थ्योरम को उस प्रोपोजिशन उस लेमा को निगेट करना चाहते हैं फर्स्ट करने आप डिस्प्रूव करना चाहते हैं ठीक है
क्या करना पड़ेगा आपको उस स्टेटमेंट की उस थ्योरम की उस लेमा की नेगेशन को अगर आप फॉल्स साबित कर देते हैं तो स्टेटमेंट को गेटिंग द पॉइंट सो ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेशंस ऑलवेज थिंक अबाउट ऑपोजिट होने के लिए सोचें तो ना होने के लिए जरूर सोचें ठीक है तो हमने दो स्टेटमेंट्स क्रिएट किए एक है पी एंड क्यू और दूसरा है पी आर क्यू ये स्टेटमेंट्स हैं हैं अब अगर स्टेटमेंट्स हैं तो इनकी नेगेशन भी जरूर हो बिल्कुल इनकी नेगेशन भी जरूर हो ठीक है सवाल ये है कि इनकी नेगेशन क्या होगी हाउ टू नेगेट एन आर स्टेटमेंट ठीक है इसके बारे में सोचो पहले इंट्यूटिवली आप खुद सोचिए इस बात पे मैं इंटरेस्टेड हूं कि पी एंड क्यू जो कि स्टेटमेंट है इसकी नेगेशन क्या हो इसके इक्विवेलेंट होगी और सिमिलरली पी आर क्यू की नेगेशन ठीक है एक आपके लिए क्लास के लिए 2 मिनट लगाइए ठीक है एंड थिंक अबाउट द ट्रुथ टेबल ट्रुथ टेबल में इसका जवाब मौजूद है थिंक अबाउट द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड एंड आर एंड गिव मी दैट व्हाट शुड कम ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्विवेलेंस ट्रुथ टेबल देखें एंड और आर के और गौर करें और बताएं कि दूसरी तरफ में क्या है अगर को होंगे तो वो होंगी यानी टू साइज समझ तो सेवन बनाएं और उसके बाद थिंक अबाउट कि आप ये सोच रहे हैं कि सब कब कब एक एंड स्टेटमेंट ऑफ टू सेवन कैन गिव यू वन हैंड वैसे एक बात अच्छे से समझ लीजिए negation or false होना different है negation can be true negation can be false statement can be true statement can be true तो statement से थोड़ी सी हेड मिलेगी दूसरा तरीका ये भी है आप अपने ध्यान में एक एग्जाम्पल सोचिए सिंपल सा ठीक है चाय बिस्किट वाला भी सोच सकते हैं ठीक है आप सोचिए इस स्टेटमेंट में negation क्या होगी अगर एंड हो तो क्या होगी negation और अगर आर हो तो क्या होगी negation particular example will reveal something अगर मैं कहूँ कि यहाँ मुझे बताइए कि वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मैं लिखूँ इस स्टेटमेंट की रिलेशन क्या हो पी एंड क्यू को एक स्टेटमेंट है पी एंड क्यू की उस स्टेटमेंट को मैं नेगेटिव सेंस में लिखना चाह रहा हूँ नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू एंड वाले देखते हैं दूसरे लोग का किस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं अगर पी एंड क्यू ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा मींस नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू बिल्कुल एंड पहली स्टेटमेंट जी सर और सर ये तीन कंडीशंस में जो होगी इस रेट में फॉल्स होगी गिव मी प्रिसाइज स्टेटमेंट दे क्या लिखूं मैं यहां एक सजेशन ये आई है कि आप अगर पी एंड क्यू को नेगेट करना चाहते हैं तो आप क्या करती पी एंड नॉट क्यू नॉट पी आप पी को नेगेट कर दीजिए क्यू को नेगेट कर दें What does it mean? कि अगर P एक चीज P और Q की, for example वो diameter वाला example देना है, एक चीज diameter कब होगी? जब वो metal में से गुजरे और end points हो गए, for example P represent कर रहा है, metal में से गुजरे और end points हो गए, ठीक है? ये end state. और हम ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है. negation का क्या मतलब? ये नहीं हो रहा
सवाल है कि क्या नहीं हो रहा होगा, तो हो क्या रहा होगा, तो फिर ये हो रहा होगा कि या तो पी मिसिंग है, या तो पी की निगेशन हो रही है या फिर क्यू की निगेशन। मैं कहता हूं कि एक लाइन डायमीटर नहीं है, तो डायमीटर वो तीन रीजंस की वजह से नहीं हो सकता। नंबर वन, या तो वो सेंटर से नहीं गुजर, या फिर वो एंड पॉइंट टू टाइम